कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण संधि। पहली स्वर संधि खत्म हुई, दूसरी संधि आती है व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से अथवा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस आचार सदाचार, तय हलंत का मेल आसे हुआ तो दा में बदल गया, दिक प्लस गज दिग्गज, कै हलंत का मेल गैसे हुआ तो आधा गय और पूरा गय बन गया, दिक प्लस अंबर दिगंबर, कै हलंत का मेल ऐसे हुआ तो गय हो गया, सत प्लस जन सज्जन, तय हलंत का मेल जैसे हुआ तो आधा जय और पूरे जय में परिवर्तित तो हो गया। परिभाषा के तौर पर व्यंजन संधि के तीन वर्ग बनाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है व्यंजन और स्वर का मेल। एक व्यंजन हो एक स्वर हो, जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, तय हलंत प्लस ई बराबर दी, व्यंजन संधि। दूसरा है स्वर और व्यंजन का मेल, जिस प्रकार से अनु प्लस छेद, इसमें छोटा उ तो स्वर है और छह व्यंजन है, दोनों के मिलाकर के छह छह हो गया तो स्वर प्लस व्यंजन का मेल हुआ। तीसरा है व्यंजन और व्यंजन का मेल, जिस प्रकार से उदाहरण है इसका, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, तय हलंत का मेल जैसे हुआ और आधा जय और पूरा जय में बदल गया, तो इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ। व्यंजन संधि के कुछ अन्य उदाहरण हो रहे हैं, जैसे सत प्लस मारग सन्मारग, तय हलंत का मेल मैं से हुआ तो नय में बदल गया, तत् प्लस लीन तल्लीन, तय हलंत का मेल लय से हुआ तो आधा लय और पूरा लय में परिवर्तित हो गया, उत् प्लस चारण उच्चारण, तय हलंत का मेल चय से हुआ तो आधा चय और पूरे चय में परिवर्तित हो गया, उत् प्लस लेख उल्लेख, तय हलंत का मेल लय से हुआ तो आधा लय और पूरा लय में परिवर्तित हो गया, उत् प्लस हरण उद्धरण, तय हलंत का मेल है से हुआ तो दय में परिवर्तित हो गया, शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र, तय हलंत का मेल चय से होने से आधा चय और पूरे चय में परिवर्तन हुआ, षट प्लस आसन षडानन षडासन, तय हलंत प्लस आ का मेल हुआ तो अडा में परिवर्तित हो गया, षट प्लस आनन षडानन, तय हलंत प्लस आ का मेल से अडा बना, तत् प्लस मै तन्मय, तय हलंत का मेल मै से हुआ तो नम में परिवर्तित हो गया, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तय हलंत का मेल न से हुआ तो नम में परिवर्तित हो गया, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तय हलंत का मेल न से होने पर आधा न और पूरा न में परिवर्तित हो गया, स्वय प्लस छंद स्वय छंद,
वाई प्लस छः बराबर छः में परिवर्तित हो गया। उत प्लस डयान उडयन तय हलंत का मेल डय से होने से डय हलंत और डय में परिवर्तित हो गया। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा तय हलंत प्लस अ का मेल होने से दय में परिवर्तित हो गया। सम प्लस चय संचय मय हलंत का मेल चय से हुआ तो ये में परिवर्तित हो गया। सम प्लस दे संदे मय हलंत और दय का मेल हुआ तो ये में परिवर्तित हो गया। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन के आने से के बाद जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस रूप निरूप, नी प्लस मल निर्मल, दू प्लस लाभ दुर्लभ।